हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। इस वीडियो में हम सीखेंगे चैप्टर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स ऑफ 11th क्लास मैथ्स। तो अब ये जो लिमिट्स है वो इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस है। लिमिट्स और डेरिवेटिव्स ये जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोडक्शन टू द कैलकुलस है। अब कैलकुलस क्या है? तो कैलकुलस is branch of mathematics which deals with the study of change of function value when the points in the domain changes। ठीक है, तो कैलकुलस वो ब्रांच है मैथमेटिक्स का जिसमें हम स्टडी करते हैं चेंज ऑफ फंक्शन वैल्यू व्हेन द पॉइंट्स ऑफ द डोमेन चेंजेस। तो अब डायरेक्टली बढ़ते हैं हम लिमिट्स जानने के लिए। तो लिमिट्स का मतलब क्या है? तो अगर आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स, तो आपको पता है कि इस फंक्शन को डोमेन और कोडोमेन होता है, तो वो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। सपोज यहाँ पे डोमेन है और ये कोडोमेन है इन टर्म्स ऑफ नंबर लाइन। ठीक है, तो ये डोमेन है ऑफ द फंक्शन एफ एक्स और ये कोडोमेन। अगर हमारे पास यहाँ पे एक नंबर है ए ऑन द रियल लाइन, ठीक है, या फिर हम यहाँ पे लेंगे ज़ीरो पहले। तो अगर हमारे पास ज़ीरो एक नंबर है विच इज़ ऑन द नंबर लाइन और फंक्शन जो है हमारे पास है इक्वल टू एक्स, तो अगर आप वो सारे पॉइंट्स देखें जो कि वेरिएबल पॉइंट्स है जो ज़ीरो की ओर बढ़ रहे हैं, ओके, तो उन सारे पॉइंट्स के लिए आपको फंक्शन वैल्यू देखना है। ठीक है, और सपोज़ यहाँ पे एक नंबर है L और जब आप यहाँ पे फंक्शन वैल्यूज़ देखते हो, ठीक है, आपको क्या मिलता है यहाँ पे कि जो फंक्शन वैल्यूज़ है वो L की ओर बढ़ रहे हैं। तो हम ये जो L है उसको कहते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। ओके, मैं फिर से रिपीट करता हूँ यहाँ पे। अगर आपके पास x के वैल्यूज़ है जो कि ज़ीरो की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब कि x के जो वैल्यूज़ है वो बहुत ही नज़दीक है ज़ीरो के, या फिर आप कह सकते हो ज़ीरो की ओर बढ़ रहे हैं, और आप क्या करते हो कि फंक्शन की वैल्यूज़ फाइंड करते हो इन सारे एक्सिस के लिए, ठीक है, इन सारे x वैल्यूज़ के लिए आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हो, आपको मिलता है कि जो फंक्शन की वैल्यूज़ है वो एक पॉइंट एल को जा रही है। अब इस केस में जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है वो ज़ीरो के पास जाएगी क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू एक्स है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे टेबल ड्रॉ करो एक्स और एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है, अगर आप यहाँ पे लो 0.1 तो एफ एक्स विल भी 0.1, यहाँ पे अगर आप लो 0.01 तो एफ एक्स विल भी 0.001। अगर आप माइनस के भी वैल्यूज लेते हो -0.1 तो फिर से आपको मिलेगा -0.1। अगर आप यहाँ पे लेते हो -0.01 यहाँ पे भी -0.01। ठीक है, तो जब आप वैल्यूज़ को ज़ीरो की ओर बढ़ाते हो, ठीक है, तो आपको क्या मिलता है, फंक्शन की वैल्यूज़ भी ज़ीरो की ओर ही बढ़ती है। ओके, यहाँ पे
अब देख सकते हो 0.1 यहाँ पे है समझो, या फिर यहाँ पे 0.1 है, फिर 0.001 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा 0.0001। तो आप देख सकते हो फंक्शन की वैल्यू भी सेम है 0.001, तो फंक्शन की वैल्यू भी ज़ीरो की ओर ही बढ़ रही है यहाँ पे। और माइनस नंबर्स भी आप देखो, नेगेटिव नंबर्स भी आप देखो, तो भी आपको मिल जाएगा कि ज़ीरो की ओर ही बढ़ रही है। -0.1 अगर समझो यहाँ पे है, तो -0.001 यहाँ पे होगा, ज़ीरो के और नज़दीक होगा, -0.1 से। ठीक है, तो जैसे आप एक्स की वैल्यूज़ ज़ीरो की ओर बढ़ाते हो, तो यहाँ पे भी आपको यहाँ पे -0.1 मिलेगा, फिर -0.001 जो कि और नज़दीक है -0.1 के। तो जो फंक्शन की वैल्यूज़ है वो ज़ीरो की ओर बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि ज़ीरो जो है वो लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स है। तो हियर वी से ज़ीरो इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए, या एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, इस केस में ज़ीरो हमने लिया था एक्स टेंड्स टू। तो हियर वी से दैट द ज़ीरो इज़ द लिमिट, जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है वो हमारा लिमिट है। कब बढ़ रही है, जब एक्स बढ़ रहा है ज़ीरो की ओर डोमेन में। ठीक है, अब इन जनरल हम यहाँ पे लिखेंगे, इन जनरल, तो होप आपको समझ में आ गया है कॉन्सेप्ट बाय एन एग्जांपल। अब इन जनरल हम लिखेंगे इफ या फिर एक्स टेंड्स टू ए, देन इफ एफ एक्स टेंड्स टू एल, वी से दैट लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए इज एल। ठीक है, और हम ऐसे डिनोट करते हैं इसको, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एल। ओके, हम रीड कैसे करते हैं फिर से मैं बताऊंगा। दिस इज रेड एस, दिस इज रेड एस लिमिट एज एक्स टेंड्स टू ए ऑफ एफ, या फिर लिमिट ऑफ एफ एक्स, लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए इज एल। ओके, ऐसे हम रीड करते। तो अब हम एक एग्जांपल फिर से देखेंगे यहाँ पे। हमको बहुत सारे केसेस अब देख रहे हैं लिमिट्स के, ठीक है, और इससे आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा लिमिट क्या है। तो एग्जांपल, अगर आपके पास एक फंक्शन है जी एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो इस फंक्शन का ग्राफ अगर आप देखो तो आपको ऐसे ग्राफ मिल जाएगा, ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस यहाँ पर, और फिर ज़ीरो ओरिजिन। ग्राफ इज लाइक दिस ऑफ फंक्शन जी एक्स। ठीक है, ऐसा ग्राफ है मॉड्यूलस ऑफ एक्स का, जी एक्स मॉड्यूलस ऑफ एक्स, ये आपने चैप्टर टू में सीखा था। ठीक है, आप टेबल भी बनाकर देख सकते हो, जी एक्स का ग्राफ ऐसे आपको मिल जाएगा। अब अगर आप ज़ीरो की ओर ऐसे अप्रोच हो रहे हो, ठीक है,
लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से, तो आपको क्या मिलेगा, जो फंक्शन की वैल्यूज़ है वो ज़ीरो की ओर ही अप्रोच हो रही है। तो इस केस में हम कहते हैं कि लिमिट ऑफ द फंक्शन जी एक्स एज एक्स टेंस टू ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो की ओर बढ़ रही है, फंक्शन की वैल्यू भी ज़ीरो की ओर ही बढ़ रही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट एज एक्स टेंस टू ज़ीरो जी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, जी एक्स इज मॉड्यूलस ऑफ एक्स, ओके एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर देखो फंक्शन एक्स के ऊपर डिफाइंड नहीं था, पर आपको लिमिट मिल गया है दैट इज़ ज़ीरो, ओके। एक और ऐसा एक एग्जांपल देखेंगे हम, इलस्ट्रेशन 1 था ये एक्चुअली, यहाँ पर अब इलस्ट्रेशन 2 देखेंगे, ठीक है। तो समझो हमारे पास एक फंक्शन है एच एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2, वेर एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 2, ऐसा एक फंक्शन है। तो इसका डेफिनेशन आप ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, न्यूमरेटर का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिनोमिनेटर में एक्स माइनस 2 है। अब अगर हम ये जो फंक्शन है वो सारे रियल नंबर्स को डिफाइन कर दे, तो फिर यहाँ पे ये जो फंक्शन है वो नॉट डिफाइन होगा। अगर हम सारे रियल नंबर्स के लिए ये फंक्शन डिफाइन करें, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स माइनस 2 है, जब एक्स इक्वल टू 2 होगा तो हमें मिलेगा 2 माइनस 2 दैट इज़ 0 विच इज़ इन द डिनोमिनेटर, सो दैट इज़ नॉट डिफाइंड। तो हमको यहाँ पे लेना एक्स नॉट इक्वल टू 2, ओके। अब अगर हम यहाँ पे एच एक्स को सिंप्लीफाई करें, एच एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2, तो दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 2 और डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2, तो दिस विल बी इक्वल टू एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और एक्स प्लस 2, पर ये आपको ध्यान में रखना है एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 2, ठीक है। तो आप देख सकते हो एक्स प्लस 2 एक्स नॉट इक्वल टू 2, अगर हम इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करें तो हमें क्या मिलेगा, लाइन मिलेगा, क्योंकि एक्स माइनस 2 इज़ एक्चुअली अ लाइन, सॉरी एक्स प्लस 2 इज़ अ लाइन, ठीक है, दिस एक्स प्लस 2 इज़ अ लाइन। तो अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें फंक्शन को, दैट इज़ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, तो हमें ऐसा कुछ मिलेगा, एक्स एक्सिस यहाँ पे है, वाई एक्सिस और 0, फिर एक लाइन है विच इज़ एक्स प्लस 2, ठीक है। तो हम अगर टेबल ड्रॉ करें तो वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2 लाइन है और एक्स की वैल्यू हमें लेना है यहाँ पर, एक्स व्हेन इट इज़ 0 यू गेट 2, व्हेन एक्स इज़ माइनस 2 वी गेट 0। तो हमको ऐसा कुछ लाइन मिलेगा माइनस और 2 और 0, ठीक है, तो ऐसा लाइन मिलेगा। और हम यहाँ पे लिखेंगे लाइन का नाम y इक्वल टू एक्स प्लस 2, ओके, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू एच एक्स। हमको अब लिमिट फाइंड करना है 2 के ऊपर, यहाँ पर 2 है, ओ सॉरी जो ग्राफ है वो रॉन्ग है, तो इरेज करेंगे, सॉरी इरेज करेंगे, यहाँ पे होगा ग्राफ व्हेन एक्स इज 0 वाई इज 2, ओके।
तो ऐसा एक लाइन मिलेगा, y इक्वल टू एक्स प्लस टू है फंक्शन, विच इज एक्चुअली इक्वल टू एच एक्स। अब हमें देखना है यहाँ पर लिमिट, लिमिट व्हेन एक्स इज टेंडिंग टू टू। अब टू के ऊपर फंक्शन का वैल्यू क्या है, एच एक्स का वैल्यू टू के ऊपर, तो एच ऑफ टू इज इक्वल टू नॉट डिफाइन, ठीक है, ये तो हमें मालूम है नॉट डिफाइन है, इसलिए एक्स नॉट इक्वल टू टू लिया है। पर अगर हम यहाँ पे नंबर्स देखे टू के बहुत ही नज़दीक, मतलब कि एक्स जो है वो टू के पास जा रहा है, ओके अच्छा, तो अगर ये डिफाइन होता एक्स इक्वल टू टू के ऊपर तो हमें क्या मिलता है, मतलब टू प्लस टू दैट इज़ फोर, अगर डिफाइन होता तो, एक कैंसिल करके हमें एक्स प्लस टू मिला है, अगर डिफाइन होता तो हमको फोर मिल जाता है यहाँ पे, ओके यहाँ पे फोर मिल जाता, पर ये डिफाइन नहीं है इन इसके ऊपर, ओके अगर डिफाइन होता तो फोर मिल जाता। अगर हम यहाँ पे वैल्यू जो है वो बहुत ही क्लोज यहाँ पे टू के लिए, तो हमें क्या मिलेगा वो देखते हैं, एच और एच एक्स है, तो अगर हम यहाँ पे ऐसे वैल्यूज ले 1.9, 1.99, 1.999 और फिर 2.001, 2.01 ऐसे, यहाँ पे टू है बीच में, तो एच एक्स की वैल्यूज़ क्या होगी, 1.9 प्लस टू, ये फंक्शन है 1.9, एक्स प्लस टू फंक्शन है, 1.9 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1.9 प्लस टू इज एक्चुअली 3.9, फिर 1.99 प्लस टू इज 3.99, 1.999 प्लस टू इज 3.999, फिर अगर 2.001 फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करें तो 2.001 प्लस टू इज 4.001, फिर 2.01 सब्स्टिट्यूट करें तो 4.01, तो आप देख सकते हो कि जो फंक्शन की वैल्यू है वो 4 के पास जा रही है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है, तो एरो जैसे हमें मिलेंगे 4 के पास जा रही है फंक्शन की वैल्यूज जब एक्स टू के पास जा रहा है, तो हमको क्या मिलेगा, लिमिट एज एक्स टेंड्स टू टू ऑफ एच एक्स इज इक्वल टू फोर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है कि फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं थी टू के ऊपर, पर हमको लिमिट मिल गया है, ठीक है, तो फंक्शन वैल्यू वॉज नॉट डिफाइन एट एक्स इक्वल टू टू, बट द लिमिट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू टू, ठीक है, तो फंक्शन वैल्यू इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू टू, बट द लिमिट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू टू, तो ऐसा भी हो सकता है फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं हो सकती है पर लिमिट एग्जिस्ट हो सकता है। अब हम देखेंगे इलस्ट्रेशन 3, जो कि है अबाउट द लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे आप फंक्शन लो ऐसे एफ एक्स इक्वल टू 1 व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड 2 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो अगर आप यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करो फंक्शन का, यहाँ पे 0 है और
फंक्शन की वैल्यू इज़ वन व्हेन एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो, तो अगर यहाँ पे वन है यहाँ पे टू है, फंक्शन की वैल्यू वन है एक्स लेस देन ज़ीरो पे, मतलब कि जब एक्स ज़ीरो से लेस है तब उसकी वैल्यू क्या है, वन है कांस्टेंट, ठीक है कांस्टेंट वन है, तो ऐसा हमें ग्राफ मिलेगा यहाँ पर व्हेन एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो। व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो वी हैव द फंक्शन वैल्यू एज टू, तो हमको ग्राफ जो है वो यहाँ पे ऐसे मिलेगा। ठीक है, और व्हेन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इट इज़ वन, व्हेन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज़ वन, तो यहाँ पे हमें शेडेड डॉट ड्रॉ करना है। ओके, और यहाँ पे हॉलो डॉट ड्रॉ करना है, तो उसका मतलब है फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो के ऊपर वन है और यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है फंक्शन की ज़ीरो के ऊपर, व्हेन जब एक्स ज़ीरो से ज़्यादा है तब टू है उसकी वैल्यू। अब अगर हम देखें जब एक्स जो है वो ज़ीरो के पास लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा है तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे जा रही है, वन के पास ही जा रही है। जब एक्स ज़ीरो के पास लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा है तब फंक्शन की वैल्यू वन के पास ही जा रही है, और जब एक्स ज़ीरो के पास राइट हैंड साइड से जा रहा है तब एक्स की वैल्यू टू है, सॉरी फंक्शन की वैल्यू टू है, मतलब कि फंक्शन की वैल्यू टू के पास जा रही है। ठीक है, यहाँ पर तो सभी फंक्शन की वैल्यू वन ही है जब एक्स ज़ीरो से कम है, और यहाँ सारे फंक्शन की वैल्यूज टू ही है जब एक्स ज़ीरो से ग्रेटर है, तो जब ज़ीरो के पास जाएगा एक्स लेफ्ट हैंड साइड से तो सारे वन के वैल्यूज़ ही लेगा, तो मतलब कि वन के पास जा रहा है फंक्शन की वैल्यूज़, जब ज़ीरो के पास एक्स राइट हैंड साइड से जाएगा तो फंक्शन की वैल्यू टू के पास ही जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वन, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से जब एक्स ज़ीरो के पास जा रहा है तो वन है, और राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू टू। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लिखते हैं इन द सिंबल लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो माइनस, ठीक है, ऑफ एफ एक्स ऐसे लिखते हैं, लिमिट एज एक्स टेंड्स टू ज़ीरो माइनस, मतलब कि एक्स जो है वो ज़ीरो के पास लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा है, एंड दिस इज इन दिस एग्जाम्पल वन, और राइट हैंड लिमिट को हम लिखते हैं लिमिट एज एक्स टेंड्स टू ज़ीरो प्लस एफ एक्स इक्वल टू टू, मतलब कि लिमिट एज एक्स टेंड्स टू ज़ीरो प्लस का मतलब है कि एक्स ज़ीरो के पास राइट हैंड साइड से जा रहा है, एफ एक्स इक्वल टू टू यहाँ पे लिमिट है राइट हैंड लिमिट, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने टू लिखा है। ओके, तो ये है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बारे में। सो वी कैन राइट हियर लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स इज दी एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू, लिमिट हमेशा होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू, क्योंकि कभी कभी लिमिट की वैल्यू फंक्शन के वैल्यू से एट द प्रिस्क्राइब पॉइंट से इक्वल होती है, कभी कभी नहीं होती है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लिखते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, लिमिट कभी कभी फंक्शन की वैल्यू से इक्वल हो सकता है या कभी कभी नहीं हो सकता है एट द प्रिस्क्राइब पॉइंट। ठीक है, इसीलिए एक्सपेक्टेड वैल्यू एज
एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड साइड। ओके, वी डिनोट इट एज लिमिट एक्सटेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स। एंड सिमिलरली राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू एज एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम द राइट हैंड साइड। वी डिनोट इट एज लिमिट एट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है तो हम कहते हैं कि लिमिट ऑफ द फंक्शन इज द सेम वैल्यू। ठीक है, दैट इज़ द कॉमन वैल्यू। अब यहाँ पे हमको क्या मिला है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है तो जो कॉमन वैल्यू है, इक्वल वाली कॉमन वैल्यू, वो होगी लिमिट ऑफ द फंक्शन एट द प्रिस्क्राइब पॉइंट। अब यहाँ पे हमको क्या मिला है, नॉट इक्वल टू मिला है लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो दिस इम्प्लाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, लिमिट यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट तब हम कहते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और जो मैंने कहा था कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है तो हम कहते हैं द कॉमन वैल्यू इज द लिमिट। ठीक है, तो वो नोट हम लिखेंगे यहाँ पे, इफ द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्सटेंड्स टू ए एग्जिस्ट, सॉरी, आर इक्वल, देन वी से देन द कॉमन वैल्यू, देन द कॉमन वैल्यू इज सेट टू बी द लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, टू बी द लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। इज सेट टू बी नहीं, इज लिखेंगे हम, इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। ठीक है, तो इफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्सटेंड्स टू ए आर इक्वल, तो दोनों लिमिट इक्वल है, तो हम कहते हैं कॉमन वैल्यू जो है, देन द कॉमन वैल्यू इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, दैट इज इफ लिमिट एक्सटेंड्स टू ए प्लस, या फिर ऐसे लिख सकते हैं हम, इफ नहीं लिखेंगे, दैट इज लिमिट एक्सटेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है और वो इक्वल है कॉमन वैल्यू से, और वो कॉमन वैल्यू को हम कहते हैं लिमिट एक्सटेंड्स टू ए। तो अब हम
यहाँ पे इलस्ट्रेशन 4 देखेंगे, ठीक है। इलस्ट्रेशन 4 में कंसिडर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, वी वॉन्ट टू फाइंड लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स। तो ये जो डोमेन की वैल्यूज़ है उसमें उसको आप अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 1 है एक्चुअली, जो बीच में है 0.9, 0.99, 0.999, फिर ये 1, और उसके बाद में 1 के वैल्यू जो 1 से ग्रेटर है, सॉरी जो वैल्यूज़ 1 से ग्रेटर है वो राइट हैंड साइड में आते हैं यहाँ पे, ठीक है। 1.01, 1.1, 1.2, तो ये जो तीन नंबर्स है वो एक्चुअली 1 के लेफ्ट हैंड साइड में है। तो यहाँ पे x इज़ अप्रोचिंग टू 1 या x टेंड्स टू 1 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, और ये जो तीन वैल्यूज़ है वो 1 के राइट हैंड साइड में है। सो दिस वैल्यूज़ आर अप्रोचिंग टू 1 फ्रॉम द राइट हैंड साइड। अब फंक्शन के वैल्यूज़ कहाँ पर अप्रोच हो रहे हैं, आप देख सकते हो 1.71 है, 1.9701 है, 1.99701। तो ये जो वैल्यूज़ है वो 2 के पास जा रही है, और राइट हैंड साइड के एक्स वैल्यूज़ के ऊपर फंक्शन के वैल्यूज़ को अगर आप देखो तो वो भी 2 के पास ही जा रही है, 2.64, 2.31, 2.0301, 2.03 है। तो ये भी जो वैल्यूज़ है वो 2 के पास ही जा रही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं लिमिट एज एक्स टेंड्स टू 1 इज 2। तो लिमिट एज एक्स टेंड्स टू 1, अब लेफ्ट हैंड साइड से भी अगर हम देखें तो लिमिट सेम ही है, तो और राइट हैंड साइड से अगर हम देखें तो सेम है, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स, ऐसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, और वो कॉमन वैल्यू जो है वो इक्वल होगा लिमिट से एज एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स। कॉमन वैल्यू क्या है, 2। ओके, ये जो लिमिट हमने देखा है वो हम डायग्राम से भी देख सकते हैं। तो जब एक्स 1 के पास लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से जा रहा है तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ पर जा रही है, ये फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर होती है वाई एक्सिस के ऊपर, तो वो क्या है, 2 है। आप देख सकते हो 2 के पास ही जा रही है फंक्शन की वैल्यूज। तो यहाँ पर आप डायग्राम से भी देख सकते हो। अब यहाँ पे हमें क्या मिला है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। और एक बात आपको यहाँ पे नोट करना है, अगर आप फंक्शन की वैल्यू एट द प्रिस्क्राइब्ड पॉइंट देखो, दैट मीन्स एट 1, तो आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ 1 को अगर आप देखो तो दैट इज़ 1 स्क्वायर प्लस 1, तो ये इक्वल होगा 1 प्लस 1 से, दैट इज़ इक्वल टू 2। तो लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट द प्रिस्क्राइब पॉइंट इक्वल है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ एट द प्रिस्क्राइब्ड पॉइंट। ठीक है, दैट इज 2 एक्चुअली। अब हम देखेंगे इलस्ट्रेशन 5। इलस्ट्रेशन 5 में फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। तो अगर आप नंबर लाइन को देखो, यहाँ पे 0 है, तो एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है हमेशा। तो यहाँ पे हमें डोमेन की वैल्यूज देखनी है 0 के राइट हैंड साइड में सिर्फ। ओके, एक्स ग्रेटर देन 0 है तो मतलब 0
भी नहीं है उसमें। अब हम फंक्शन की वैल्यूज़ को अगर इवेलुएट करें इन सारे पॉइंट्स के ऊपर, तो पहला पॉइंट क्या लिया है टेबल में, 1। फिर पॉइंट है 0.1, तो समझे 0.1 यहाँ पे है। फिर पॉइंट क्या है, 0.01 है, तो और भी नज़दीक है 0 पे। और अंत में और या लास्ट जो लिखा है यहाँ पे, दैट इज 10^-n, वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो मतलब कि बहुत ही नज़दीक हम जा रहे हैं 0 के। ठीक है, तो 0 को हम राइट हैंड साइड से अप्रोच हो रहे हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड से क्या हम अप्रोच हो सकते हैं इस फंक्शन में, तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन डिफाइंड है वो सिर्फ एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइंड है, एक्स लेस देन 0 के लिए डिफाइंड ही नहीं है। मतलब कि 0 के लेफ्ट हैंड साइड में डिफाइन ही नहीं है, तो हम कैसे 0 के पास लेफ्ट हैंड साइड से जा सकते, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो हम सिर्फ 0 के पास राइट हैंड साइड से जा सकते हैं, तो इसीलिए राइट हैंड लिमिट सिर्फ हमको यहाँ पे देखना है। ठीक है, अब फंक्शन की वैल्यूज़ को देख सकते हो आप। एक्स इक्वल टू 1, फंक्शन की वैल्यू 1। एक्स इक्वल टू 0.1, फंक्शन की वैल्यू 100। एक्स इक्वल टू 0.01, फंक्शन की वैल्यू 10,000। और वैसे आप अगर देखो तो जब एक्स 0 के पास जा रहा है, तब फंक्शन की वैल्यूज़ कहाँ पर जा रही है, वो बढ़ती जा रही है। पहले 1 था 100, फिर बाद में 10,000, ये 10^2n, तो फंक्शन की वैल्यूज़ बढ़ते जाते हैं। मतलब कि फंक्शन के वैल्यूज़ इन्फिनिटी की ओर जा रहे हैं, ये बढ़ते ही जा रहे हैं फंक्शन की वैल्यूज़, तो उसको हम कहते हैं इन्फिनिटी। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट एज एक्स टेंड्स टू 0+, क्योंकि एक ही तो लिमिट हम यहाँ पे देख रहे हैं। लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में यहाँ पे कहना इज विल नॉट मेक सेंस। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0+ एफ एक्स इज इन्फिनिटी, या फिर नॉट डिफाइंड, या इन्फिनिटी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो लिमिट है डेट इज़ दी एक्चुअल लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ओके, तो ऐसे एग्जांपल्स हम सॉल्व नहीं करेंगे इस चैप्टर में, ये सिर्फ इलस्ट्रेशन के लिए हमें देखना है। अब इलस्ट्रेशन 6 हम देखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे तीन डेफिनेशन है फंक्शन के, एफ एक्स इक्वल टू x-2 व्हेन एक्स इज लेस देन 0, 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, एंड x+2 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे 0 है समझो बीच में, ठीक है, क्योंकि वैसे ही x के वैल्यूज यहाँ पे लिखे गए हैं। आप देख सकते हो -0.1। ओके, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, देखेंगे, तो यहाँ पे 0 है, -0.1 समझो यहाँ पे है, -0.01 -0.1 से ग्रेटर है, -0.01। ठीक है, फिर -0.001 -0.01 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे -0.01 है। सिमिलरली ये 0.001 यहाँ पे, फिर 0.01 जो है वो 0.001 से ग्रेटर है, और सिमिलरली 0.1 इज ग्रेटर देन 0.01। तो ये जो वैल्यूज़ है लेफ्ट हैंड साइड में 0 के, वो 0 की ओर बढ़ रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, और ये जो राइट हैंड साइड वाले वैल्यूज़ है वो 0 की ओर बढ़ रहे हैं राइट हैंड साइड से। फंक्शन की वैल्यूज़ अगर आप देखो यहाँ पे, तो
जो लेफ्ट हैंड साइड वाले फंक्शन के वैल्यूज़ है फॉर द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ऑफ द एक्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो वो कहाँ पर जा रहे हैं? -2.1 है, -2.01 है, -2.001 है, तो ये -2 की ओर बढ़ रहे हैं। और अगर आप राइट हैंड साइड वाले फंक्शन के वैल्यूज़ देखो तो वो कहाँ पर बढ़ रहे हैं? 2 की ओर बढ़ रहे हैं, +2। ये आप देख सकते हो, पहले 2.1 था, फिर 2.01, और जैसे एक्स 0 के पास जा रहा है आपको मिल रहा है 2.001, जीरोज़ बढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो मतलब कि 2 के पास जा रहे हैं ये वैल्यूज़ फंक्शन के राइट हैंड साइड से। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, लिमिट एज एक्स टेंस टू 0 माइनस, तो 0 के पास हम लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं, ऑफ एफ एक्स, लिमिट एज एक्स टेंस टू 0 माइनस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू -2, एंड लिमिट एज एक्स टेंस टू 0 प्लस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2। अब इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ये आपको पता है, इसको हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है, ये हमको मिला है यहाँ पे। डायग्राम से भी आप देख सकते हो यहाँ पे जब एक्स 0 के पास जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, तो अब वाई के वैल्यू जो है वो -2 की ओर जा रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ -2। जब एक्स के वैल्यूज़ 0 के पास राइट हैंड साइड से जा रहे हैं, तब फंक्शन के वैल्यूज़ कहाँ पर जा रहे हैं? 2 के पास, तो राइट हैंड लिमिट इज़ 2। तो बट -2 इज़ नॉट इक्वल टू 2, इसीलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। और यहाँ पे तो फंक्शन के वैल्यू एट द प्रिस्क्राइब पॉइंट जहाँ पर हम लिमिट फाइंड कर रहे हैं, दैट इज 0, तो एफ ऑफ 0 क्या है? 0 है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल ही नहीं है पहले तो, ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे नोट करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इलस्ट्रेशन 7 को अगर हम देखें तो यहाँ पे फंक्शन को टू डेफिनेशन से, तो एक्स प्लस टू व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 1, 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 1 है क्योंकि वैसे ही वैल्यूज लिखे गए हैं, बीच में 1 होगा। ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाले वैल्यूज है वो 1 की ओर लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ रहे हैं, ये जो राइट हैंड साइड वाले वैल्यूज है वो 1 की ओर राइट हैंड साइड से बढ़ रहे हैं। अब फंक्शन के वैल्यूज़ कहाँ पर जा रहे हैं? तो आप देख सकते हो 2.9, 2.99, 2.999, ये यहाँ से इवेल्यूएट किया गया है टेबल, ठीक है, बस फंक्शन के वैल्यूज सिर्फ लिखे गए हैं एट द रिस्पेक्टिव एक्स वैल्यूज़, तो 2.9, 2.99, 2.999 3 की ओर बढ़ रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से फंक्शन के वैल्यूज़, और राइट हैंड साइड से भी 3 की ओर ही बढ़ रहे हैं फंक्शन के वैल्यूज़। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि लिमिट एज एक्स टेंस टू 1 माइनस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस ऑफ एफ एक्स, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, एंड दैट इज इक्वल टू 3, विच इज इक्वल टू द लिमिट, एक्चुअल लिमिट एफ एक्स, ठीक है। और फंक्शन की वैल्यू क्या है एट एक्स इक्वल टू 1? फंक्शन की वैल्यू भी हमें देखनी है एट द प्रिस्क्राइब पॉइंट, दैट इज एक्स इक्वल टू 1। प्रिस्क्राइब पॉइंट का मतलब है जहाँ पर हम लिमिट फाइंड कर रहे हैं, दैट इज एक्स इक्वल टू 1। वॉट इज दैट? दैट इज 0, ठीक है, सो दिस इज नॉट इक्वल टू 0, 3 इज नॉट इक्वल टू 0, विच इज इक्वल टू एक्चुअली द फंक्शन वैल्यू एट द प्रिस्क्राइब्ड पॉइंट।
मतलब कि हमें यहाँ पर मिला है लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये तो ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट, बट दैट इज़ नॉट इक्वल टू द फंक्शन वैल्यू एट द प्रिस्क्राइब्ड पॉइंट। ठीक है, एट द प्रिस्क्राइब्ड पॉइंट। तो ये हमको अब इस इलस्ट्रेशन 7 में मिला है। तो हमने बहुत सारे इलस्ट्रेशन देखे हैं यहाँ पे, तो आपको लिमिट्स के बारे में और अच्छी तरह से पता चल गया होगा। अब यहाँ पे हम तीन चीज़ें मेन नोट करेंगे, ठीक है, तीन चीज़ें हम यहाँ पे नोट करेंगे। तो पहले तो हमें मिल सकता है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू दी फंक्शन वैल्यू एट दी प्रिस्क्राइब पॉइंट, और वो एग्जांपल कहाँ पे हमने देखा था। तो ये जो एग्जांपल है इलस्ट्रेशन 2 में हमने देखा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमने यहाँ पे लिखा नहीं था, पर क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को डिफाइन नहीं किया था। लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, यहाँ पर इज इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट 4 है, दोनों ही लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 4 है, और 4 क्या है तो फंक्शन की वैल्यू होगी। ओके, यहाँ पर तो हमको सिर्फ लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल मिला है। ओके ओके, तो अगर हम इस एग्जांपल को देखें, ये जो फर्स्ट एग्जांपल था वहाँ पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों ही लिमिट 0 थे यहाँ पे, और फंक्शन की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, एफ एट 0 अगर हम देखें तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स था, तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, तो दिस इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू एट द प्रिस्क्राइब्ड पॉइंट। तो ऐसा भी हमें मिल सकता है, तीनों इक्वल मिल सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द प्रिस्क्राइब्ड पॉइंट। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे लिखना है, ये फर्स्ट नोट है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द प्रिस्क्राइब्ड पॉइंट। सेकेंड नोट हमको मिल सकता है लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन की वैल्यू देखने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे एट द प्रिस्क्राइब पॉइंट। ये एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा था इलस्ट्रेशन 6 में, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और एक इलस्ट्रेशन में हमने देखा था, दैट इज दिस इलस्ट्रेशन 3, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो ये सेकेंड नोट है। फिर थर्ड नोट इज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये हो सकता है, पर दैट इज नॉट इक्वल टू दी वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द प्रिस्क्राइब पॉइंट, तो एफ एट द प्रिस्क्राइब पॉइंट। और ये हमने लास्ट इलस्ट्रेशन में देखा था, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बट इट इज नॉट इक्वल टू दी फंक्शन वैल्यू एट दी प्रिस्क्राइब्ड पॉइंट। तो ये तीन नोट जो है वो आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखने हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स में ये आता है, ठीक है, और इससे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी आसानी होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।